हे गाइस, फाइनली जो है सेकंड ट्यूटोरियल को लेके आ चुके हैं एमसी स्टैन। वाह भाई वाह, बिग बॉस विनर। ये सेकंड ट्यूटोरियल है, इसमें हम जो है हेयर्स बनाएंगे, रियलिस्टिक हेयर किस तरीके से बनाए जाते हैं। सबसे पहले आप हेयर से देखें मोबाइल में किस तरीके से हेयर बने हुए हैं, हेयर के स्ट्रोक किस तरीके से बने हुए हैं, तो वो सारी जो है स्टाइलिश से एक हेयर बने हुए उनको लुक देंगे किस तरीके से, बिल्कुल सिंपल वे में। ये हेयर बनाना बिल्कुल ही सिंपल है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले ली है 3B पेंसिल। हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करेंगे स्ट्रोक को। आपको 2 मिनट लेके स्ट्रोक को समझना है कि हेयर के स्ट्रोक किस तरीके से बने हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने 3B पेंसिल ले ली है। अब क्या करेंगे, अच्छे तरीके से हम ऑब्जर्व करेंगे हेयर के स्ट्रोक को। अगर आपको हेयर के स्ट्रोक समझ में आ गए तो बिल्कुल ही ईजी हो जाता है काम। तो यहाँ पर सिंपली मैं जहाँ पर डार्क वैल्यू है तो मैं सिंपली डार्क वैल्यूज ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पर डार्क वैल्यूज है, देखें गौर से जांच कर आपको अच्छे तरीके से काम करना है। एंड एक और इम्पोर्टेंट बात तो मैं कहना ही भूल गया बातों बातों में, अगर कोई चैनल पर नया जुड़ा है तो यार सब्सक्राइब कर ले। फ्रेंड्स, वीडियो टाइमलैप्स जरूर है, लेकिन लेकिन जहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो पॉइंट आपके साथ जरूर शेयर होगा। यहां पर अभी मैं क्या कर रहा हूं, स्ट्रोक क्रिएट कर रहा हूं हेयर के। अगर आप हेयर के स्ट्रोक अच्छे तरीके से समझकर बनाएंगे तभी जाकर आप रियलिस्टिक हेयर बना पाएंगे, ठीक है। आपको हेयर के स्ट्रोक को समझना है देन अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट लेयर ऐड कर रहा हूँ 3B पेंसिल का यूज करके। आप जो है 2B पेंसिल या कोई भी लाइट ग्रेड की पेंसिल से फर्स्ट लेयर क्रिएट कर सकते हैं। हमने बातों बातों में यहाँ पर फर्स्ट लेयर ऐड कर लिया, अब बारी आती है ब्लेंडिंग की। तो ब्लेंडिंग के लिए यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने ले लिया है मेकअप ब्रश। बहुत ही प्यारा टूल होता है मेकअप ब्रश फॉर द ब्लेंडिंग, हर आर्टिस्ट आपको यही रिकमेंड करेगा। अब जो ब्लेंडिंग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ताकि जो हमने ग्रेफाइड पेंसिल से हमने एक लेयर क्रिएट किया, ग्रेफाइड अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। एंड बिल्कुल हल्के हाथों से आपको ये काम करना है, ठीक है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट ट्रिक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, गौर से वीडियो को देखना, ठीक है। वो ट्रिक क्या होने वाली है, वो ट्रिक यहाँ पर ये होने वाला है। एक कोई भी पेपर का टुकड़ा या कोई भी ढक्कन ले ले, बॉटल का कोई भी। तो यहाँ पर मैंने हायर ग्रेड की 9B पेंसिल ले ली है, एक कागज का जो टुकड़ा लिया है, ठीक, पेपर का। अब क्या करेंगे, कोई भी ब्लेड उठा लेंगे, ठीक है। ब्लेड से उठाकर आप जो है ग्रेफाइट पाउडर को इस तरीके से छील कर आप बना सकते हैं ग्रेफाइट पाउडर, जिस तरीके से यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन ये काम आपको बिल्कुल सावधानी के साथ करना है, ठीक है। किस तरीके से, अगर जो है कोई भी यहाँ पर इस तरीके से हम जो है डार्क वैल्यूज, जहाँ जहाँ पर हमें डार्क वैल्यूज ऐड करनी है तो हम इस तरीके से छोटे मेकअप ब्रश का यूज करके डार्क वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। ये ग्रेफाइट पाउडर जो है मार्केट में भी आपको मिल सकता है, इजीली आप बाय कर सकते हैं। तो मेरे पास ग्रेफाइट पाउडर नहीं है तो मैंने इस तरीके से जुगाड़ कर लिया है, ठीक है, आप भी कर सकते हैं। हमने जो है सेकेंड लेयर भी इस तरीके से ऐड कर लिया, अब बारी आती है हाईलाइट की। तो हाईलाइट के लिए टोम्बो मोनो 0 इरेजर का यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि हाईलाइट वो चीज़ होती है फ्रेंड्स आपके हेयर्स को और भी ज्यादा एक 3D एंड रियलिस्टिक लुक देती है। तो हाईलाइट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करती है यहाँ पर। तो हमें अच्छे तरीके से हेयर के स्ट्रोक को समझना है कि कहाँ पर शाइनिंग एरियाज है, यानी कहाँ पर हाईलाइटेड जो हेयर बने हुए, तो उनको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करके यहाँ पर स्ट्रोक बाय स्ट्रोक लगाते जाना है, ठीक है।
हाईलाइट भी क्रिएट कर लिए हैं। अब एक और जो है थर्ड लेयर यूज करेंगे, वो किस तरीके से, 9B पेंसिल मैंने ले लिया है दोबारा से। हम जहाँ पर और भी ज़्यादा जो है डार्क वैल्यूज जहाँ पर ऐड करनी है तो वहाँ पर हम डार्क वैल्यूज ऐड करेंगे 9B पेंसिल का यूज़ करके। हमने जो है जब तक काम नहीं छोड़ना तब तक हमें अच्छा एक प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिले। इस तरीके से हमें आगे बढ़ते जाना, देखते जाना फ्रंट पोर्ट्रेट को एंड काम करते जाना, देखते जाना फ्रंट पोर्ट्रेट को काम करते जाना जब तक आपको एक अच्छा प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिले। काम करते जाना, टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन रिजल्ट बहुत ही प्यारा निकल कर आएगा। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 0.3 की मैकेनिकल पेंसिल। 0.3 की मैकेनिकल पेंसिल फ्रेंड्स मैं इसलिए यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि 0.3 की मैकेनिकल पेंसिल की लीड्स बिल्कुल ही ज़्यादा थिन होती है, तो इससे हम डिटेलिंग वर्क अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। हवा में जो हेयर फ्लो कर रहे हैं तो स्ट्रोक थोड़े बहुत हम बाहर की तरफ ही बनाएंगे ताकि हमारे हेयर और भी ज़्यादा लुक रियलिस्टिक प्रोवाइड करें। ले लिए जेली रोल पेन फाइनली। तो जेली रोल का क्या काम होता है, अगर आपको सबसे ज्यादा हाईलाइट क्रिएट करनी है, हाईलाइट एरियाज को कवर करना है तो उसके लिए बेस्ट है। तो यहाँ पर बालों के अंदर, हेयर्स के अंदर बेल्ट पहना हुआ है हमारे एमसी स्टैंड भाई साहब के, तो वो क्रिएट कर रहा हूँ अच्छे तरीके से यहाँ पर, जहाँ पर मुझे और भी ज़्यादा हाईलाइट क्रिएट करनी है। तो हाईलाइट के लिए बहुत ही अच्छा ये टूल है, आप जो है यूज़ कर सकते हैं जेली रोल पेन। नेकलेस बनाना हो जहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईलाइट क्रिएट करनी है तो उसके लिए बेस्ट टूल है। हेयर्स के बाद यहाँ पर मैं फोरहेड यानी फेस के ऊपर थोड़ी बहुत शेडिंग भी करूँगा इस ट्यूटोरियल में, इस पार्ट में। तो यहाँ पर पेंसिल को किस तरीके से पकड़ना चाहिए आपको, सबसे पहले यहाँ पर ये समझना, आपको बिल्कुल आगे से इस तरीके से नहीं पकड़ना, पीछे से थोड़ा पकड़ना इस तरीके से पेंसिल को, ताकि जो आपके हाथ की जो पकड़ पेंसिल के ऊपर अच्छी हो। अगर हम आगे से पकड़ेंगे तो स्ट्रोक जो है अच्छे तरीके से नहीं बनेंगे फेस के ऊपर एंड जो है शेडिंग बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगी। तो आपको थोड़ा पीछे से पकड़ना है शेडिंग के अंदर। आईब्रोज के जो है छोटे छोटे हेयर क्रिएट करो अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करके, जिस तरीके से हमारा फ्रंट पोर्ट्रेट में बने हुए इस तरीके से यहाँ पर आईब्रोज के जो है स्ट्रोक लगाते जा रहा हूँ। शेडिंग के अंदर जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा डार्क वैल्यूज दिखाई दे तो सबसे पहले उसको कवर करें। लाइट टू डार्क, आपको डार्क टू लाइट जाना है, ठीक है। जहाँ पर आपको डार्क वैल्यूज दिखाई दे शेडिंग के अंदर सबसे पहले उसको कवर करें एंड धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हमारा रिजल्ट बेहतरीन मिलता जाएगा। अब यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्लेंडिंग स्टम फॉर द ब्लेंडिंग, ठीक है। ब्लेंडिंग के लिए यहाँ पर मैं ब्लेंडिंग स्टम इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि पेपर बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है तो यहाँ पर हमारा मेकअप ब्रश काम नहीं आने वाला। मेकअप ब्रश यूज़ करेंगे उतने अच्छे जो है ब्लेंडिंग अच्छे तरीके से स्मूथली नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर आपको पेपर बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो तो वहाँ पर कॉटन टिश्यू या आप ब्लेंडिंग स्टम यूज़ कर सकते हैं। ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त यानी दी एंड करते हैं। जल्दी नेक्स्ट पार्ट को लेके आ रहे हैं, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय।